सीटेट से संबंधित हजारों क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वीडियोस और बहुत कुछ आने वाले सीटेट 2019 के एग्जाम के लिए जो ऐप है वो गूगल प्ले पर सीटेट लक्ष्य 2019 के नाम से उपलब्ध है। आप जल्दी से जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए या फिर यहाँ दिए गए आई बटन से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है जहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन एक लेकिन कंसेप्ट्स अनेक। यहाँ पे आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे उससे आपको एटलीस्ट 4 से 5 कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सीटेट 2019 के एल सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं दोनों में पढ़ूंगा और दोनों तरीके से आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। चलिए समझते हैं क्या दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं, आपके ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको देंगे। देखिए क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट एग्जाम के अंदर लगभग 40 से 45% बच्चों ने ही इसका सही जवाब लगाया था। अदरवाइज अधिकतर बच्चे इसमें फंस गए थे और इसका आंसर उन्होंने गलत किया था। तो क्यों गलत किया, क्या थी बातें और क्या है इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ राज, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जाने, उससे पहले हमें बताना चाहिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर हिंदी में इसको देखें तो इसको अगर हम इस तरीके से लेके चलते हैं, चलिए एक ब्लैंक पेपर पे आते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ओके, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब अगर हिंदी में इसको तोड़ते हैं या फिर इंग्लिश में इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, चेकिंग या फिर इवेल्युएशन या कुछ भी। असेसमेंट किस लिए की जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। असेसमेंट किस लिए की जा रही है, सीखने के लिए की जा रही है। असेसमेंट यहाँ पे क्यों की जा रही है, सीखने के लिए लिखा हुआ ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे असेसमेंट क्यों किया जा रहा है, सीखने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे असेसमेंट क्यों किया जा रहा है, असेसमेंट लर्निंग के लिए किया जा रहा है, सॉरी असेसमेंट लर्निंग का किया जा रहा है। यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन यही पूछना है, असेसमेंट किसके लिए किया जा रहा है और असेसमेंट किसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या जवाब आ रहा है, यहाँ पे जवाब आ रहा है, हमने इसे पूछा यहाँ पे असेसमेंट किस लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर आया असेसमेंट लर्निंग के लिए किया जा रहा है। असेसमेंट किस लिए किया जा रहा है, लर्निंग के लिए, मतलब हम असेसमेंट करेंगे जिससे हमें कुछ लर्निंग मिलेगी, यानी कि हमने किया असेसमेंट तो हमें रिटर्न में क्या मिला, लर्निंग मिली। समझ में आया, हमने किया असेसमेंट और बदले में हमें क्या मिली, लर्निंग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असेसमेंट क्यों किया जा रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमने असेसमेंट किसका किया, लर्निंग का ही असेसमेंट किया कि हमने सीखा क्या, और बदले में हमें क्या मिली, ग्रेड्स या वैल्यू या मार्क्स, हमें ये चीजें मिली। यहाँ पे पहले में जब हम असेसमेंट करेंगे तो हमें वापस में क्या मिल रहा है, लर्निंग ही वापस में मिल रही है। हम यहाँ पे असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें लर्निंग मिले, दूसरे में हम असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ग्रेड्स वैल्यू हमारी पोजीशन का पता चले। अब इसको और भी अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, सिचुएशन वन, ये स्कूल जाता है, स्कूल में एक टीचर उसको बोर्ड पे कुछ पढ़ाता है, ठीक है। अब बच्चे ने इसको देखा और पढ़ लिया, अब उसके बाद वो घर पे आता है, घर पे आने के बाद बच्चा किताब खोलता है और किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो किताब को पढ़ता है तो वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसने जो स्कूल में पढ़ा उसमें से कितनी सारी बातें उसको समझ में आई, और जो बातें समझ में नहीं आई वो उसको टिक कर रहा था ताकि वो कल जाके स्कूल में पूछे, और जो बातें समझ में आ गई उसको और अच्छे से देख रहा था कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। अब अगले दिन वह गया और स्कूल में उसने उन सभी सवालों को पूछा, तो टीचर ने उसके सभी सवालों का जवाब भी दे दिया, सारे क्वेरीज जो थी वो सॉल्व हो गई। उसके कुछ दिन के बाद फाइनल एग्जाम हुए, बच्चे ने टेस्ट दिया और टेस्ट में उसको A+ ग्रेड मिल गया।
तो अब ये एक कहानी है, इस कहानी के अंदर हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों चुका है। देखिए सेकंड और थर्ड स्टेज में जो हुआ या फिर फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टेज में जो हुआ वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और चौथे स्टेज में जो हुआ वो असेसमेंट, ये अगर इसको मैं ए लिखता हूँ, अगर इसको मैं बी लिखता हूँ, तो यहाँ पर ए यहाँ तक हुआ ए, ए हुआ और यहाँ पे हुआ बी, यहाँ पे हुआ बी, यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ। मतलब कैसे कि जब हम किसी काम को करते हैं, यानी कि जब असेसमेंट क्यों किया जा रहा है, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, ताकि हमें कुछ पता चले, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि हमें नॉलेज मिल रही है, हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, हमारे डाउट्स की डायग्नोस्टिंग हो रही है, यानी कि हम डायग्नोज कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं, या फिर सिंपल शब्दों में हम कहें टेक्निकल टर्म में तो हम इसको कहेंगे फॉर्मेटिव। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि हम जो जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हम पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे को पता चलता है, टीचर को भी पता चलता है कि कहाँ कमी रह रही है, किस तरह की कमी रह रही है, तो उसको रेमेडी दे करके, एक्स्ट्रा क्लास दे करके उसको सॉल्व कर देते हैं, ताकि जो फाइनल टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम हो, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यही होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हमने किसी चीज़ की चेक, हम किसी चीज़ को चेक इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग। वही दूसरी तरफ हम सीखने का मूल्यांकन कर रहे हैं, यहाँ बच्चे ने फाइनल एग्जाम दिया, फाइनल एग्जाम देने के बाद उसको ए प्लस ग्रेड मिल गया, यहाँ पे किस तरह का इंप्रूवमेंट, सुधार कुछ नहीं होगा। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब हो गया जो आपने सीखा सीधा आपको ग्रेड किया जाएगा, आपको आपका लेवल दिया जाएगा कि हाँ आप इसके अंदर यहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो उसको हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो चलिए दोबारा पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंचे, अब मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूँ और ऑप्शंस के साथ समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस तरीके से चीजें हैं, आप भी साथ में समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, यानी कि शिक्षक जो है वह सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है, दोनों का उपयोग करना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, नो लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, यानी कि बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए। तो आप देखिए पहला फैक्टर देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि जो पीरियोडिक टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, क्या इसमें यह बात सही बैठ रही है। तो बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने के लिए जब हम बच्चे के जब फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं, उस समय बच्चे की जरूरत का पता चलता है कि वहाँ पे दिक्कत क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चे का टेस्ट लिया और बच्चे के 40% मार्क्स आए, इट मीन्स उसको 60% कंटेंट नहीं आता, तो हम फटाफट उसको रेमेडी देंगे, उस 60% कोर्स उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि फाइनल एग्जाम में उसकी दिक्कत ना हो। तो जरूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति बनाने में हमारी हेल्प करता है, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है इसके केस में। लेकिन अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें, क्या फाइनल एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट सही है कि बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, यानी कि नोइंग द नीड लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा फाइनल एग्जाम दे रहा है, फाइनल एग्जाम के अंदर बच्चा जो है 33% लेकर के आ गया, तो बच्चे की सीखने की जरूरतों को हम जान रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जब एक बार फाइनल एग्जाम 33% लेके भी अगर पास हो जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, पिछले लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर सेकेंड के लिए ये पॉइंट सही नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको कर देंगे गलत। लेकिन अधिकतर बच्चों ने इसी पॉइंट को सही कर दिया क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सभी पैरामीटर स्पेस को चेक नहीं किया, इसलिए बच्चों का ये आंसर गलत हो गया। अगला ऑप्शन, असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस, यानी कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए। आवधिक अंतराल, आवधिक यानी कि फिर से पीरियोडिक बात हो गई, पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, आवधिक, जैसे मतलब मंथली टेस्ट लिए जा रहे हैं और मंथली टेस्ट लेने पर उनको ग्रेड कर दिया जा रहा है कि हाँ भाई इस महीने आपकी ए ग्रेड आई है, इस महीने आपकी बी ग्रेड आई है, इसमें ए प्लस आई है, इसमें सी आई है। तो बच्चा, अब टीचर देखिएगा इसमें ए आया है तो इसमें ये कमी थी, यहाँ बच्चे की गिरावट हुई, तुरंत सही करो, तो उसको चेक किया, फिर ए प्लस आ गया, फिर गिरावट आ गया, फिर सही करो ताकि फाइनल एग्जाम के अंदर किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आवधिक अंतरालों के बच्चे के प्रदर्शन को प्रमाणित किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, फॉर्मेटिव यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन की बात हो रही है, तो इसके ऊपर एकदम फिट बैठता है। लेकिन अगर इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग या सीखने के मूल्यांकन के उपयोग में अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आवधिक अंतराल की बात हो रही है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो यहाँ पे फाइनल एग्जाम जैसे यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही, तो इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन है, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, यानी कि हम बच्चे के प्रोग्रेस को समझ रहे हैं और जो
कमियां हो रही है, यानी कि जो सीखने के जो अंतराल हैं, जो लर्निंग गैप्स हैं, जैसे बच्चा बच्चा 40% लाया और जबकि पेपर तो 100% का था, यानी कि 60 मार्क्स की जो गैप है, बच्चा 60 मार्क्स का जो नहीं कर पाया, अब उस गैप को भरना है। अब टीचर क्या करेगा, उचित लक्ष्य निर्धारित करेगा, उचित गोल निर्धारित करेगा, ताकि बच्चा बच्चे के जो 60% मार्क्स कटे हैं उसको कहीं से ठीक किया जाए, ताकि वो फाइनल में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और बच्चे की प्रगति का निगरानी हो रही है, बिल्कुल, और बच्चे की प्रगति की निगरानी होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर, तो ये भी पहले पॉइंट के अंदर एकदम सही साबित होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के अंतराल को अगर भरने की हम बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये नहीं होता। कैसे, अगर मान लीजिए बच्चा 33% मार्क्स लेके पास हो गया और पेपर अगर 100 मार्क्स का था, तो यहाँ पे 67% मार्क्स जो उसके नहीं आए, इस गैप को अब कोई भी नहीं भर सकता, क्योंकि बच्चा अब नेक्स्ट लेवल में चला गया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। आखिरी में पढ़ते हैं, बच्चों की प्रगति व उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए, बल्कि बच्चों की क्या प्रगति है और उपलब्धि का क्या स्तर है उसको जानने के लिए। तो बच्चे की उपलब्धि का स्तर यहाँ पे जानने में मदद कर रही है कि जैसे बच्चा मंथली टेस्ट में ही क्या कितना स्कोर कर रहा है, तो यह जानने में हमारी हेल्प हो रही है। बिल्कुल सही, यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। और साथ ही साथ असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भी ये साबित हो रहा है, क्योंकि जब फाइनल टेस्ट होता है तो फाइनल टेस्ट के बाद बच्चे की जो प्रगति है और उसकी जो उपलब्धि का स्तर जानने में हमारी मदद करता है। तो इस हिसाब से ये जो चौथा पॉइंट है ये एकदम सही हो जाएगा, चौथा पॉइंट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स पे एकदम खरा साबित हो रहा है। लेकिन अब जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कई बार चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन आपको सही सही लगते हैं, और साथ ही साथ आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा है। कई बार ऐसी कंसेप्ट बना लेते हैं कि जो सीटेट के अंदर बड़े आंसर्स होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता। आप जैसे इसी प्रश्न को ले लीजिए, यहाँ पे ये सबसे छोटा आंसर है और देखने में उतना इफेक्टिव भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसको हमें अब दोनों के परफेक्टर्स और पैरामीटर्स पे चेक करना है। हम यहीं पे कमी कर देते हैं जिस वजह से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी है और कहाँ पे हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे सभी बिंदु आपके क्लियर हो गए होंगे। इन सभी चार पॉइंट्स को हमने देखा, साथ ही साथ यहाँ पे इन दो चीजों को देखा, तो कुल मिलाकर के आज हमने एक क्वेश्चन से कंप्लीट किए 6 पॉइंट्स। तो यही था दोस्तों हमारे इस सीरीज का, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सवाल एक लेते हैं लेकिन कई कंसेप्ट को साथ में क्लियर कर देते हैं। आशा है आज आपको कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको रेगुलर की अपडेट मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, सिलेबस की जानकारी चाहिए और भी दूसरी काफी सारी चीजें चाहिए, तो हमने ऐप बनाया है। उस ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आज ये जो आई बटन दिया हुआ है, इस आई बटन पे क्लिक करके आपको सीधा डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा उस ऐप को डाउनलोड करने का। ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिए और देखिए और उसका फायदा उठाइए, वो बिल्कुल फ्री है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।